हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं डर वाली एक वीडियो। हाँ जी, फोबिया जो हमारा रूट वर्ड होगा इसके अंदर, और फोबिया के ऊपर मेरे साथियों ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, हो सकता है आज वर्ड मैंने ज़्यादा लिखे हैं, हो सकता है हम इनको 2 वीडियो में कवर करें। ठीक है भाई, फोबिया का मतलब होता है साथियों एक्सट्रीम फियर। ठीक है, एक्सट्रीम फियर जिस डर का हमें पता नहीं है हम क्यों डरते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो डर होता है। ये हर किसी के अंदर नहीं होता ऐसा, किसी किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी विशेष चीज़ से डर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए साथियों, पहला क्या है भाई, पायरोफोबिया। पायरो का मतलब होता है भी फायर, भी फायर से रिलेटेड है ये पायरो। ठीक है, फोबिया मतलब फियर, तो होगा भाई फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर। अब किसी कॉमन इंसान को अगर आप आग के पास बिठाओ तो वो नहीं डरेगा, नहीं डरेगा भाई। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी इंसान हो सकता है जिसको आग से बहुत ज़्यादा डर लगे, राइट। तो उसके अंदर जो डर हो क्या है भाई, पायरोफोबिया है। ठीक है, और अगर इसी के साथ में भाई ये सी वर्ड और लगा दे तो वो व्यक्ति हो जाएगा ये। ठीक है, पायरोफोबिक। ठीक है, पायरोफोबिक, राइट। तो पायरोफोबिया वो डर है जो आग के प्रति होता है। नेक्स्ट अभी ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रो का मतलब होता है साथियों रेन। क्या है भाई, रेन। तो फियर ऑफ रेन, फियर ऑफ रेन, बारिश से किसी को डर लगे, फियर ऑफ रेन। ठीक है, बारिश तो बड़ी सुहावनी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी भाई अच्छी अच्छी चीज़ों से भी डर हो सकता है। ठीक है, तो फियर ऑफ रेन, ओम्ब्रोफोबिया। लोगो, वाह, इससे तो आपको डर लगता ही होगा ज़रूर, है ना। लोगो का मतलब होता है साथियों स्टडी। क्या है साथियों, स्टडी या भाई स्पीच वगैरह। ठीक, स्टडी, तो फियर ऑफ स्टडी, फियर ऑफ स्टडी, एजुकेशन। ठीक है, लोगोफोबिया या भाई स्पीच। आप किसी भी इस आपको अगर 10 इंसानों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप बोल नहीं पाते, वो जो डर होता है क्या होता है, लोगोफोबिया। क्रोमो, कर्मों का ध्यान से देखिए साथियों, क्रोमो निकल कर आया है भाई कलर से, किससे, कलर से। ग्रीक रूट वर्ड्स हैं सारे, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, कलर से। एक ऐसा ही वर्ड और हमने देखा था, पढ़ा था भाई, क्रोनो। क्या था साथियों, क्रोनो, क्रोनोफोबिया। एक ऐसा ही वर्ड हमने पढ़ा था, क्रोनोफोबिया। तो क्रोनो का मतलब हमने क्या बताया आपको, क्रोनो का मतलब होता है साथियों टाइम या फ्यूचर। तो इसमें क्या था भाई, फियर ऑफ पासिंग द टाइम या फियर ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, तो क्रोनोफोबिया। क्रोमो, अब यहाँ पे स्पेलिंग में ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे साथियों क्या है, यस, यहाँ पर क्या है, क्रोमोफोबिया। क्या है भाई, क्रोमोफोबिया। क्रोमो का मतलब कलर, तो फियर ऑफ कलर, फियर ऑफ कलर, भी कलर से ज़्यादा डर लगे जिसको, फियर ऑफ कलर। ठीक है, क्रोमोफोबिया। आगे देखो बेटा, प्यूडोफोबिया, यस, प्यूजोफोबिया। प्यूजो वर्ड जो रिलेट करता है, वो करता है साथियों चिल्ड्रंस को, किसको, चिल्ड्रन को। ठीक है, तो फियर ऑफ चिल्ड्रन, भाई ये कैसा डर है, फियर ऑफ चिल्ड्रन। आप डर तो देखो कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है, तो फियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का डर जिसके मन में हो, तो क्या होता है, फियर ऑफ चिल्ड्रन क्या होता है भाई, प्यूडोफोबिया। ठीक है, प्यूडोफोबिया। अरिथमोफोबिया, अरिथमो, अरिथमो वर्ड किससे भी, अरिथमेटिक से, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। ठीक है, या हम इसी को कहें भाई नंबर, तो फियर ऑफ नंबर्स, फियर ऑफ नंबर्स, या अर्थमेटिक। चलो अर्थमेटिक, स्पेशली मैथ से डरना, मैथ से बहुत सारे इंसान डरते हैं भाई। ठीक है, फियर ऑफ अर्थमेटिक, फियर ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट है माइक्रोफोबिया। माइक्रो होते हैं साथियों स्मॉल, स्मॉल चीज़ें, स्मॉल भी जीव जंतु। ठीक है, माइक्रो भाई आपका मच्छर मक्खी किस में आता है, माइक्रो, राइट, उससे भी स्मॉल जंतु होते हैं, जीव होते हैं, तो क्या होते हैं, माइक्रो। तो छोटी छोटी चीज़ से डरना, फियर ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स। देखिए ये हो सकता है भाई इंसेक्ट होती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, फियर ऑफ स्मॉल इंसेक्ट। एक इसका उल्टा होता है मैक्रो, यहाँ लिख देता हूँ साथियों में, मैक्रोफोबिया। क्या होता है भाई, मैक्रो
फोबिया। मैक्रो का मतलब होता है साथियों लार्ज, तो ये होता है भी लार्ज चीज़ों से डरना, लार्ज चीज़ों से डरना। तो मुझे लगता है साथियों आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। वकैब की वीडियो बिल्कुल छोटी छोटी होनी चाहिए, छोटी छोटी वीडियो देखें 5-6 मिनट के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं हमें एक और नेक्स्ट वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।